आज के वीडियो का टॉपिक है सेडेड पोल मोटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो सेडेड पोल मोटर है ये एक ही मोटर है जो कि सेल्फ स्टार्टेड है। तो ये कैसे काम करता है वही हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर हम इस मोटर को खोलेंगे तो हमें इसके अंदर से देखने को मिलेगा एक रोटर स्क्विरल केज टाइप का और दो पोल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसी के साथ हमें देखने को मिलेगा शेडिंग रिंग। अब इस रिंग का क्या काम है वो हम आगे देखेंगे। इस पोल का जो फील्ड कॉइल है, इस फील्ड कॉइल का कनेक्शन सीरीज में होता है, मतलब दोनों से ही सेम करंट फ्लो होता है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से जो शेडिंग रिंग है इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इस कॉइल में मैं अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, इस दोनों कॉइल के अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि सिंगल फेस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। इसके लिए हमें और एक ऑक्सिलरी कॉइल की या हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सिंगल फेस मोटर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम शेडिंग रिंग को हटा कर अगर हम फील्ड कॉइल में सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इस मोटर में कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए मोटर में कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मोटर स्टिल रहता है। अब मोटर को घुमाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो मोटर घूमेगा नहीं। उसी की वजह से हम यहाँ पर शेडिंग रिंग का यूज करते हैं। तो ये जो शेडिंग रिंग बना हुआ होता है, ये शेडिंग रिंग बना हुआ होता है कॉपर से, ठीक है, एक टांस दिया हुआ रहता है, सिर्फ एक टांस, सॉलिड कॉपर का यूज किया जाता है और एक ही टांस दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर शेडिंग रिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो फील्ड के मुकाबले कम होता है। अब जैसे ही हम फील्ड कॉइल में अल्टरनेटिंग सप्लाई हम देंगे तो क्या होगा, इस फील्ड कॉइल में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो फ्लक्स जो है वो चेंजेबल फ्लक्स होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि हमने क्या किया, जो फील्ड कॉइल में हमने एसी सप्लाई दिया है, तो एसी अपना करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता ही रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा, ठीक है। अब वो चेंजेबल फ्लक्स क्या करेगा, ये जो शेडिंग रिंग है इसे कट करेगा। अगर कोई भी फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को जैसे ही कट करता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन क्या होगा, ये जो शेडिंग रिंग है, ये शेडिंग रिंग शॉर्ट सर्किटेड होता है। अगर शॉर्ट सर्किटेड होगा तो क्या होगा, इसके अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उस करंट के आसपास एक और एक फ्लक्स क्रिएट होगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी कंडक्टर से जैसे ही हम करंट को भेजेंगे तो क्या होगा, उस कंडक्टर के आसपास एक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो सेम यहाँ पर भी जैसे ही शेडिंग रिंग के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसके आसपास भी एक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब वो फ्लक्स क्या करेगा, जो मेन फील्ड का जो फ्लक्स है उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। अब दोनों के बीच में, दोनों फ्लक्स के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री या फिर उससे कम के अंदर एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, मतलब दोनों फ्लक्स की जो एंगल है वो एंगल सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अंदर रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस डिफरेंट है, इसीलिए दोनों की जो फ्लक्स है वो फ्लक्स एक दूसरे से लैग करे, और लैग करने की वजह से ही इसके अंदर क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये दोनों जो फ्लक्स है, ये दो फ्लक्स क्या करेगा, ये जो रोटर बार है इसे कट करेगा। अब रोटर बार को जैसे ही कट करेगा, रोटर बार ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड हुआ रहता है, तो इसके अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये जो रोटर है एक घूमना स्टार्ट कर देगा, जैसे सिंगल फोर्स मोटर काम करता है वैसे ही। तो यही है सेडेड पोल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, सेडेड पोल मोटर ऐसे ही काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि जैसे ही मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।